दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लेमन डब के पास दाना पानी नहीं है और ये कब से शोर भी मचा रही है। इसी वजह से सबसे पहले अभी हम इनको दाना पानी देते हैं और देखता हूँ अगर आज मैं इनके पिंजरे की सफाई कर सका तो आज इनके हम पिंजरा भी साफ कर देते हैं। ये देखें डायमंड डब, कल वाली वीडियो में जो आप लोगों ने देखा होगा एक डायमंड डब उड़ गई थी काली वाली, पता नहीं अब कौन सी है इसमें से, लेकिन उससे भी बड़ा तंग किया था। पहले वो वहाँ जा कर बैठ गई थी, यहाँ आई, लेकिन हमने उसको एंड में पकड़ लिया था। तो आज ख्याल से हम खोलेंगे और इसको आराम से ही निकालेंगे। तो ये आ गया दाने वाला बर्तन हमारा बाहर। पहले इसमें दाने डाल देते हैं फिर पानी डाल देंगे ताकि दाना खाने में मसरूफ़ होंगी, इसलिए ये उड़ेंगी नहीं। तो ये जो है मैंने भर लिया है, अभी हम लोग इसमें डाल देते हैं, रख देते हैं अंदर। यहाँ सारी देखें जमा हो चुकी हैं और क्योंकि खाने के लिए जमा हुई है, इनको भूख भी लग रही है और जैसे ही मैं बाजरा रखता हूँ ये बाजरा दाना गिराती भी बहुत है। तो हम लोग अभी रखते हैं इसका आराम से। ये देखें फिर से एक काली वाली यहाँ पे आ गई, अभी ये उड़ ना जाए। ये बाजरा मैंने रख दिया है, पानी का बर्तन हम बाहर निकाल लेते हैं। उसके अलावा चूजे भी यहाँ पे उछल कूद कर रहे हैं, इनके पास भी दाना पानी नहीं है, इसी वजह से आप लोग देख सकते हैं कैसे उछल रहे हैं यहाँ पे, इनको भी देना है। कबूतरों के पास भी दाना पानी ख़त्म हुआ है तो उनको भी हम दाना पानी दे देते हैं। उसके अलावा तो मुर्गी वगैरह हमारी नहीं है और चूज़ों को थोड़ी देर खोल भी देते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये वाली भी जगह है, यहाँ पर चूज़ों को खोल देते हैं थोड़ी देर और वैसे भी ये बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पर खोलते हैं और इनको दाना पानी भी दे देते हैं। चूज़ों को जो है अभी मैं खोलता हूँ, ये देखें ये काटते भी बहुत हैं। ये देख सकते हैं हम लोग सारे मेरे पाँव पे काटने के लिए आ रहे हैं। अभी जो है ये लोग अपना चुन चुन के खा रहे हैं, नीचे से जो कुछ पड़ा हुआ होगा बाजरा वगैरह गिरा हुआ तो ये अभी वो खा रहे हैं। अभी जो है हम लोग इनका वो वाला बर्तन है उसमें इनको डाल देते हैं फीड वगैरह और पानी देख लेते हैं इनके पास, अगर पानी साफ नहीं है तो पानी भी चेंज कर देते हैं और कबूतरों का भी दाना पानी इनको भी देते हैं। ये देखें इनको भूख लगी हुई है तो दोबारा से मेरे पाँव पर काटने के लिए लोग आ गए। मैंने जो इनके दाने का बर्तन उठाया और ये ऐसे उछल रहे हैं एकदम से, बार बार मुझे देख रहे हैं। अभी हम इनमें दाना डाल के इनको अंदर रख देते हैं। इनका पिंजरा जो है मैं अभी तक साफ नहीं कर सका क्योंकि मुझे अभी टाइम नहीं मिला, तो अब देखूंगा जिस दिन फारिग हुआ इन्होंने बहुत गंदा कर दिया है दोबारा से। ये देखें तो अभी जिस दिन देखूँगा मुझे टाइम मिला तो उस दिन मैं इनका बर्तन पिंजरा जो है साफ करूँगा। उसके अलावा डायमंड डब का भी पिंजरा मैं अभी तक साफ़ नहीं कर पाया हूँ। फिंचे तो गंदा इतना करती नहीं है, उनकी टेंशन भी नहीं है हमें। तो अभी मैं पहले इनको फीड डाल देता हूँ यहाँ पे। ये देख सकते हैं अभी मैंने इनको फीड रखी है, लोग कैसे लड़ रहे हैं फीड के लिए, सारे एक दूसरे को लड़ रहे हैं फीड के लिए क्योंकि ये सुबह सुबह का टाइम है तो ये लोग अभी भूखे होते हैं इस टाइम पर, इसलिए जैसे ही सुबह रखो ये बहुत लड़ते हैं फीड के लिए। उसके अलावा कबूतर भी हमारे बैठे हुए हैं, ये मैं निकाल लेता हूँ। दाने का बर्तन, ये रहा दाने का बर्तन और अभी इसको करते हैं। इनका पानी पहले चेक कर लेते हैं, इनके पास तो पानी है साफ है। तो अभी मैंने इनका दाना भर लिया है और
किलो से। अभी मैं रखने गया हूँ तो इसने मेरे हाथ पे काटा है, और ये छोड़ते ही नहीं है। तो उसको के लिए कुछ रखो। तो थोड़ा सा बाइजन नीचे गिर गया, तो अब ये चूजे जो है ये लोग खा रहे हैं इसको। पहले जो है मैं इनको ऐसे ही डालता था खाना, बाजरा यूँ फेंकता था और ऐसे बर्तन में नहीं डालता था, तो ये वो भी बड़े शौक से खाते थे। लेकिन उसमें लोग ज़ाया भी बहुत करते थे, नीचे जाता था वो ये खाते नहीं थे। कभी कभार कुछ जो है वो फिर ख़राब होता था, फेंकना पड़ता था। तो बाकी जो अब कबूतरों को हम पानी डाल देते हैं, और जो है कबूतरों की जो मैंने घास रखनी है और डायमंड डफ की जो घास रखनी है वो मैं घास अभी नहीं ला पाया हूँ। पानी जो है मैं दोनों के लिए आया हूँ, अभी हम रख देते हैं पानी का डायमंड डफ का। तो पहले हमने खोल लिया है गेट, ये देखें बिल्कुल करीब आ जाती है, लेकिन आज इंशाल्लाह मैं होने नहीं दूंगा। तो अब बंद कर दिया हमने, आज ही नहीं उड़ पाई है डायमंड डफ। और इसके अलावा ये ऐसे खा रहे कि इससे भी बाहर आ जाते हैं। मेरे आप देख सकते हैं बर्तन जो है उस कोने पे रखा था, लेकिन ये घसीटते घसीटते लड़ते वो यहाँ पर लेके आ गए। अभी कबूतरों के पास जो है दाना पानी हम लोगों ने दोनों रख दिया है, इनके पास दाना रख दिया है, पानी इनके पास पहले से ही है। डायमंड डफ के पास भी दाना पानी रख दिया है, और चूजों के पास जो है पानी बिल्कुल नहीं है इनके पास। अभी हम फिंचों को भी दाना पानी दे देते हैं, दाना इनके पास शायद है, पानी देना है सिर्फ। और जो है यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।